हेलो फ्रेंड्स, लीलावती आईएएस की तरफ से मैं सुशील श्रेष्ठ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो लेक्चर का डिस्कशन है वो बहुत ही समसामयिक और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि बजट की चर्चा हो रही है, चारों तरफ बजट प्रस्तुत हुआ, बजट प्रस्तुत हुआ, तो आज का हमारा ये प्रयास है कि हम बजट के बारे में आपको समझाएं कि बजट क्या होता है, बजट के कंटेंट कैसे होते हैं, और संविधान बजट के बारे में क्या कहता है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है। दैट इज, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द बजट एज वेल एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एडॉप्टेड इन प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एंड टिल पासिंग ऑफ द बजट। तो हम इस बार एक समग्रता के साथ चर्चा करेंगे कि बजट अभिभाषण क्या होता है, बजट स्पीच क्या होती है, बजट कौन रखवाता है, कैसे संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से वो पास होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी प्रक्रिया को जानें। और साथ ही साथ एक निवेदन कि आप क्या करें, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हम समय पर अगली कड़ी आपको देते रहें। और उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे और जितनी भी बजट से संबंधित आपकी समस्याएं थी उन सबका निराकरण इस वीडियो लेक्चर में होगा, ये मेरा दावा है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं बजट इन व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। बजट का क्या मतलब है? जनरल अर्थों में बजट का अर्थ है किसी भी कंट्री के कमिंग फाइनेंशियल ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर का एक कंपैरेटिव चार्ट देना। तो बजट इज ए कंपैरेटिव चार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कमिंग फाइनेंशियल ईयर और इंसुइंग फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। एक तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कुल अनुमानित टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा और टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, कुल अनुमानित आय क्या होगी। हम अगर व्यय पार्ट को लें तो भारतीय संविधान में लिखा है कि व्यय दो भागों में होता है, चार्ज और नॉन चार्ज्ड, रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, भारित व्यय और गैर भारित व्यय। उसी तरह से कुल इनकम को लें तो कुल प्रत्यक्ष कर होता है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये टोटल टैक्स हो जाएंगे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और भारत सरकार के टोटल अदर रेवेन्यू रिसिप्ट जो इनकम टैक्स से अलग है, ये टोटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इन्हीं का एक कंपैरेटिव चार्ट क्या कहलाता है? बजट। अब हम बात करें भारतीय संविधान में बजट, तो बजट संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और याद रखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द यूज नहीं है। अनुच्छेद 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो संविधान में बजट का जो टर्म है उसकी जगह है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम बजट कहते हैं। अब 112 ही अनुच्छेद कहता है कि बजट संसद के दोनों सदनों में आता है। याद रखें, केवल लोकसभा में नहीं, बजट संसद के दोनों सदनों में जाता है और इसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। और बजट क्या है? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट को बताता है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट को बताने वाला ये मेगा डॉक्यूमेंट है। 2017 से रेलवे बजट को जनरल बजट में हमने मिला लिया और अब केवल एक यूनियन बजट एग्जिस्टेंस में है। अब दो बजट नहीं है, देयर इज अ सिंगल बजट, यूनियन बजट है। हर साल जनवरी वर्ष के प्रारंभ में, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द जनवरी, वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालय और विभागों को कहता है कि आप वो सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट स्पीच में शामिल होने वाला है। जबकि परंपरा क्या थी? परंपरा के अनुसार बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे प्रस्तुत होता था, लेकिन 2017 से अब ये पहली 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। मित्रों, जो हमारा यूनियन बजट है उसमें कई डॉक्यूमेंट होते हैं, देयर आर वेरियस डॉक्यूमेंट, कई दस्तावेज होते हैं जो बजट के साथ संलग्न होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। फर्स्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री,
सभी मंत्रालय और विभागों के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। फिर दूसरा है अनुदान की मांग, अनुदान की मांग डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए अनुदान की मांग का अनुच्छेद आर्टिकल 113 है। अनुदान की मांग क्या होती है आप इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए आपने अपने पिताजी से 100 रुपये की मांग रखी कि 100 रुपये की मांग से आपको जूते कपड़े खरीदने हैं, जूते और कपड़े खरीदने हैं, और पिताजी ने ग्रांट किया 80 रुपये, 80 रुपये ये ग्रांट हुआ, तो ये डिमांड है 100 की और ग्रांट है 80 रुपये। तो जो कार्यपालिका है हमारे यहाँ मंत्रालय और विभाग हैं वो डिमांड रखते हैं, और ग्रांट करने का राइट किसको है, लोकसभा को। याद रखिए एग्जीक्यूटिव मंत्रालय और विभाग डिमांड रखते हैं अपनी और ग्रांट करती है हमारी लोकसभा, इसी को हम कहते हैं अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड मंत्रालय और विभाग रखते हैं और ग्रांट लोकसभा करती है आर्टिकल 113 के अधीन। फिर एक हमारे पास फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है जो अनुच्छेद 117 में है। उसी तरह से एक FRBM से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं जिसमें राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन की बात होती है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट की बात होती है, ये डॉक्यूमेंट भी रखे जाते हैं। और अलग से एक एक्सपेंडिचर बजट होता है, उसी तरह से रिसिप्ट बजट होता है, और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, एक्सपेंडिचर प्रारूप होता है, और फिर जो प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल हैं वो अलग से रखे जाते हैं, उनको वो एक्सप्लेन करने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। तो फाइनेंस बिल के प्रोविजन को एक्सप्लेन करने वाला जो डॉक्यूमेंट होगा वो रखा जाएगा, और बजट सारांश, बजट एट ए ग्लांस। फिर आउटकम बस्टिंग, आउटकम बस्टिंग जिसको हम इनपुट आउटपुट बजट भी कहते हैं, वो रखा जाता है, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, और साथ साथ ये वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट भी रखे जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो बजट के साथ संलग्न होते हैं, एसोसिएट होते हैं। बजट एक निश्चित तारीख को जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स से डिसाइड हो 11 बजे लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और वित्त मंत्री बजट स्पीच देते हैं। इस बजट स्पीच में न्यू कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्सेशन प्रोविजंस होते हैं, कराधान प्रावधान होते हैं, लोन या ऋण संबंधी बातें होती हैं, और इंटरेस्ट ब्याज संबंधी और एक्सपेंडिचर संबंधी बातें होती हैं। इस तरह से वित्त मंत्री बजट स्पीच देते हैं। जब लोकसभा में बजट स्पीच समाप्त हो जाता है तो बजट राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। इस प्रकार आपने देखा अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि बजट संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति रखवाएगा। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जिस दिन बजट प्रस्तुत करते हैं उस दिन उस पर कोई विवाद या डिस्कशन नहीं होता। वित्त मंत्रालय से परामर्श करने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये तय करेगा कि बजट पर जनरल डिस्कशन के लिए कब कौन सा दिन रखा जाए, किस दिन बजट पर जनरल डिस्कशन होगा। याद रखिए जनरल डिस्कशन जब बजट पर होता है तो वो बजट के प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स पे, पूरे या किसी भाग के सिद्धांत पर चर्चा की जाती है, उसके आइटम्स पे चर्चा नहीं। तो जनरल बजट बजट जो हो डिस्कशन जो होता है वो बजट के होल या पार्ट पे केवल प्रिंसिपल एस्पेक्ट पर चर्चा होती है, और दोनों सदनों में उसका उत्तर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर जनरल डिस्कशन का जवाब दोनों सदनों में दे देते हैं, तो उसका एक कंक्लूजन होता है, और कंक्लूजन के पश्चात वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान पास किया जाता है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट का मतलब है जब तक अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 के अनुसार जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए तब तक सरकार की खर्चे उससे निकलते रहेंगे इन एडवांस, इसे हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान। बजट पर जनरल डिस्कशन के पश्चात संसद एक निश्चित पीरियड के लिए स्थगित हो जाती है जिसको हम अवकाश अवधि या रेसेस पीरियड कहते हैं। इस रेसेस पीरियड के दौरान जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती हैं
वो सभी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर विचार करती हैं। याद रखिएगा, जनरल डिस्कशन के बाद एक रेसेस पीरियड होता है और इस रेसेस पीरियड में जो भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होंगी वो अनुदान की मांगों पर विचार करती हैं और फिर वो मांग लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है और लोकसभा उस पर विचार विमर्श करती है अनुच्छेद 113 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। इसके बाद वो डिमांड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक समय तय करती है और उस पर डिस्कशन होता है। जब डिमांड फॉर ग्रांट्स या अनुच्छेद की मांग आर्टिकल 113 के अधीन लोकसभा में चर्चा के लिए रखी जाती है तो सदस्य उस पर कट पॉलिसी ला सकता है। याद रखिए, अनुदान की मांग डिमांड फॉर ग्रांट्स लोकसभा में ही रखी जाती है, राज्यसभा में नहीं। ये लोकसभा का प्रिविलेज राइट है, तो मेंबर कट पॉलिसी लाते हैं लेकिन इसकी सूचना उनको पहले देनी होती है। कट पॉलिसी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलिसी कट, इसमें जो डिमांड की ग्रांट है उसकी धनराशि घटा के 1 रुपये कर दी जाती है, अर्थात पॉलिसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की पॉलिसी ही रिजेक्ट कर दी जाती है, इसीलिए इसे पॉलिसी कट कहते हैं। जो सेकंड कट है वो है इकोनॉमी कट, इसमें जो डिमांड फॉर ग्रांट जो अनुदान की मांग होती है उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट कट कर दिया जाता है ताकि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री इकोनॉमी कंजूसी मितव्ययता बरते। तीसरा है टोकन कट, सांकेतिक कटौती, इसमें जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसमें 100 रुपया काट दिया जाता है। ये बताया जाता है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट्स तैयार करने में इकोनॉमी मेंटेन किया जाना चाहिए और उनके खर्चे लोकसभा के अप्रूवल के अंडर में है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के अंडर में है। जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिस्कशन होती है तो सभी मामलों पर चर्चा होती है जो जनरल डिस्कशन के दौरान नहीं हुई थी, और जब लास्ट डे आता है डिस्कशन का और जिसमें जितने भी डिमांड फॉर ग्रांट्स बच जाते हैं जिन पर मतदान वोटिंग नहीं हुई है उन पर एक साथ वोटिंग होती है और मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसको हम गुलेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलेटिन। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया गुलेटिन क्या है। लास्ट डे ऑफ वोटिंग बजट के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर जब लास्ट डे में जितनी डिमांड्स फॉर ग्रांट बन जाएंगी वो एक साथ बिना चर्चा के वोट करके पास कर दी जाती हैं, इसी को हम गुलेटिन कहते हैं। जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा हो जाती है, कट पॉलिसी जो भी वो हो जाती है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में है। जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो मंत्रालय और विभाग को अपने खर्चे के लिए कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से धन निकालने की अनुमति मिल जाती है, और जब विनियोग विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है तो वो राज्यसभा को प्रस्तुत होता है। अनुदान की मांग की चर्चा जैसा कि पहले हो चुकी है आर्टिकल 113 और अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 के प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो लोकसभा में एक बिल और रखा जाता है जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं। ये फाइनेंस बिल अनुच्छेद 117 में है, और जब फाइनेंस बिल है क्या, फाइनेंस बिल में टोटल टैक्सेशन और ऑल फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। जो टोटल टैक्सेशन प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सभी वार्षिक कराधान और वित्तीय प्रस्तावों से मिलकर वित्त विधेयक बनता है जिसे लोकसभा पास करती है, और जब वित्त विधेयक पास हो जाता है, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, वित्त विधेयक आफ्टर पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल द बजटिंग प्रोसीजर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इज ओवर, तब संसद में बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये रहा संसद में बजट की प्रक्रिया। एक मंत्रालय विभाग से ये उम्मीद की जाती है वो अनुदान की मांगों की चर्चा से पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे और हर सदस्य को देंगे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किया जाएगा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से। और आप एक चीज़ ध्यान से सुने, जिस साल इलेक्शन होना होता है, जनरल इलेक्शन, जब पार्लियामेंट्री लोकसभा का जनरल इलेक्शन होना होता है उस वर्ष रेगुलर बजट की बजाय जो बजट पारित होता है उसे हम इंटरिम बजट कहते हैं,
और कटौती प्रस्ताव से संबंधित जो लोकसभा के रूल्स हैं वो ये हैं। इस प्रकार हमने देखा मित्रों कि किस तरह से संसद में बजट पारित होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो लिसनर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास बजटिंग प्रोसीजर को लेके बजट क्या है, बजट संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और उसकी संसदीय प्रक्रिया क्या है, ये किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप उसका उत्तर स्पष्ट तरीके से दे सकते हैं। और यही मेरा प्रयास था। पुनः एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।